नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने सड़क पर चल रहे आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया और अनियंत्रित बस हादसे के बाद एक दुकान में जा घुसी, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत भी हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी कासगंज और पुलिस वाले मौके पर जा पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पति पत्नी के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल कासगंज से चलकर एटा जा रही एक प्राइवेट बस जैसे ही कासगंज के माल गोदाम चौराहे पर पहुंची, तभी उसके ब्रेक फेल हो गए और अनियंत्रित बस सड़क पर चल रही आधा दर्जन सवारियों को कुचलती हुई एक दुकान में जा घुसी। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। हादसे में कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नसरतपुर के रहने वाले 50 वर्षीय रमेश व उनकी पत्नी निर्मला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी रोहन प्रमोद गोत्रे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर जा पहुंचे और घटना का निरीक्षण भी किया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक दंपति के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। पिंटू, क्या हुआ था? ये हुआ था सर, मैं मिठाई ले रहा था, साइड से खड़े होकर पीछे से मालूम नहीं बस वाले ने इतनी तेज मारी थी, मैं यहाँ गिरा था, बाइक की लाइट टूट गई, मेरे नाना का और कोई मरा भी है? नहीं नहीं, और कोई नहीं मिला। मरा है कोई? हाँ, मरा हुए भैया, मरे हुए उधर पड़े हुए हैं। वो क्या लोग घायल हुए हैं? मालूम है सर, कितने कितने नहीं है, हम तीन थे बाइक पे, ये मेरे मामा जी पैसे दे रहे थे, हम दोनों बाइक पे खड़े थे, मैं मिठाई लेकर चलते हैं अभी। कितने इंजर्ड है, कितने से घायल? देखिए, एक अनियंत्रित बस जो कि एक प्राइवेट बस है, माल गोदाम चौराहे पे अनियंत्रित होने के कारण कुछ लोगों को घायल किया है। लगभग दो लोगों की इसमें मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। तीन लोग इसमें अभी अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से मैं इस केस में पूरा अपडेट आपको दे दूंगा। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन संदेश टाइम्स।